शिक्षकों की सेवा नियमित करनी होगी। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। एक तरफ 5 सितंबर को पूरे मुल्क में शिक्षक दिवस मनाया गया तो दूसरी तरफ भागलपुर विश्वविद्यालय के अतिथि शिक्षक एक बार फिर से सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हुए। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय अतिथि शिक्षक संघ के अध्यक्ष ने बताया कि उनकी मांगों को मानने के बजाय सरकार उनके साथियों पर डंडे बरसा रही है। आप लोग भी जान रहे हैं कि राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों में कार्यरत अतिथि शिक्षकों की सेवा नियमित करने की मांग को लेकर के हम लोग लंबे समय से सरकार के समक्ष गुहार लगा रहे हैं। गत दिनों 3 सितंबर को इसी मांग को लेकर के हमारे साथियों ने पटना में शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का कार्य किया था। हमारे साथियों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन के बावजूद हमारी मांगों पर कोई विचार करने के बजाय उनके ऊपर डंडे बरसाए गए, उन्हें पीटा गया, कई साथी हमारे घायल हुए और हमारे लगभग आधा दर्जन साथियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि अविलंब हमारे गिरफ्तार साथियों को रिहा किया जाए तथा हमारी जो पूर्व की मांग है हमारी सेवा को नियमित की जाए। पटना में अतिथि शिक्षकों पर पुलिस की कार्रवाई के विरोध में भागलपुर के अतिथि शिक्षकों ने अपने बाजू पर काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया। जी, ये काला पट्टा जो है विरोध है, जो कि हमारे साथियों के ऊपर जो बर्बरतापूर्ण जो पुलिस प्रशासन ने और सरकार ने जो कार्रवाई की है 3 तारीख को, जो उन्होंने अपनी शांतिपूर्ण मांग को नियमितीकरण को लेकर जो उन लोगों ने अपना प्रदर्शन किया था शांतिपूर्ण, उसके विरोध में हम लोगों ने काला पट्टा हम लोगों ने लगाया है और सरकार के खिलाफ हम लोग ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे जो साथी हैं उनको रिहा किया जाए तत्काल रूप से और हमारी जो नियमितीकरण की मांग है उसको पूर्ण किया जाए। प्रोटेस्ट इज अगेंस्ट द ब्रूटैलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टुवर्ड्स द गेस्ट टीचर्स। वी आर पुटिंग आवर डिमांड टू द गवर्नमेंट फॉर आवर रेगुलराइजेशन एंड जस्ट अ डे बिफोर यस्टरडे some of our friends or some of the guest teachers went to Patna and there they were there to put or provide the memorandum. They were there to request the government to consider upon their demands. So they were protesting rather peacefully with silence, maintaining the social distance or whatever the norms the government has recommended. Still they have been lathi charged, they have been beaten brutally. So we condemn this policy of the government, and in future if the government doesn't consider our problems, naturally we are going to increase our protest and we will try our level best to buckle down the government. SM college mein karyarat Suiti Kumari ne kaha ki unki maange nahi mani gayi to andolan mein aur tezi aayegi. जाहिर सी बात है, हम लोग इससे भी कड़ा कदम उठाएंगे, हम अपना आंदोलन मजबूत करेंगे और सरकार को ये बताने पे, ये सुनने पे, ये समझने पे मजबूर करेंगे कि हमारी सारी मांगे जायज हैं, कानूनी रूप से हमें ये अधिकार मिलना ही चाहिए, हम लोगों को नियमित करना ही चाहिए। UGC द्वारा जो रेगुलेटेड है कि हमारी जो तनख्वाह है वो 25,000 से बढ़ाकर 50,000 करना चाहिए। साथ ही साथ कल हमारे जिन साथियों को गिरफ्तार किया गया है उन्हें अविलंब रिहा करना चाहिए। आज 5 सितंबर है, शिक्षक दिवस है, पूरा देश शिक्षकों का सम्मान कर रहा है और बिहार की धरती पर, मतलब शिक्षा ज्ञान और ज्योति पुंज की धरती पर क्या हो रहा है, शिक्षक इस कड़ी धूप में कोरोना में अपनी जान को हथेली पर लेकर नारा लगाने पर मजबूर हैं। यहाँ सम्मान करना तो दूर, उन पर लाठीचार्ज किया जा रहा है, आखिर क्यों? ये गलत है, गैर कानूनी है, हमें हमारे अधिकारों से वंचित किया जा रहा है, हमें हमारे अधिकार मिलने ही चाहिए। धन्यवाद। सरपराज रामानंद ने बताया कि अगर अतिथि शिक्षक सारी योग्यताओं पर खरे उतरते हैं तो उन्हें हर हाल में नियमित किया जाना चाहिए। हम लोगों की जो मुख्य मांग है वो नियमितीकरण को लेकर है। हम जब सारी योग्यता रखते हैं, UGC के सारे नियम को फॉलो करते हैं, जो प्रोसेस है परमानेंट वैकेंसी के उन सारे प्रोसेस को फिलअप करके हम लोग आए हैं, तो एक ही पद के लिए कितनी बार आप सेलेक्ट करिएगा? तो हमारी ये मांग है कि सबसे पहले हमको नियमित कर दिया जाए, उसके बाद जो बाकी पद बचते हैं उस पर आप पूरी वैकेंसी लीजिए, बस हमारी यही मांग है। आज हमारे शिक्षक भाइयों के ऊपर इतना जुल्म हो रहा है कि अपनी मांग को लेकर हम लोग अगर पहुंचे तो उसके ऊपर लाठीचार्ज किया जा रहा है।
यानी शत्रुओं जैसा व्यवहार किया जा रहा है, जो देश की शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए कार्यरत है, हर बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं, उनके ऊपर ये अन्याय और जुल्म जो सरकार कर रहे हैं, इनको हम लोग कभी भी माफ करने वाले नहीं हैं। और हम लोग आगे संघर्ष को और बढ़ाते हुए सरकार को चुनौती देते हैं कि वो गिरफ्तार अतिथि शिक्षकों को अविलंब रिहा करे, नहीं तो हमारा आंदोलन चरणबद्ध होगा। न्यूज द पैशन के लिए भागलपुर से गुहर आलम की रिपोर्ट। मोबाइल कैंपस, न्यू शाह मार्केट भागलपुर, डील्स इन मोबाइल स्पेयर पार्ट्स, बैटरी, चार्जर एंड टूल्स। एमजे इलेक्ट्रॉनिक्स, शाह मार्केट भागलपुर, डील्स इन ऑल टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स।